What is up everybody, this is Abhishek from eVidyalaya, welcome to my channel eVidyalaya. दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताऊंगा उन पांच चीजों के बारे में जो कभी भी आपको गूगल पे नहीं सर्च करना है, क्योंकि अगर आप गूगल पे इन पांच चीजों को सर्च करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खतरे का अंदेशा रहेगा, आपको बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे और आप हो सकता है कि पुलिस की नजर में भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आपके बहुत ही काम की चीज मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू eVidyalaya। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि कुछ पांच चीजों के बारे में जो कभी भी आपको गूगल पे नहीं सर्च करना है। तो सबसे पहला चीज आता है वो है बैंकिंग वेबसाइट। दोस्तों जैसे कि आप लोग करते क्या है कि आप लोग को किसी भी बैंक के बारे में जानकारी लेना है, उसके वेबसाइट को खोलना है, तो आप सीधे गूगल पे टाइप करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि ICICI बैंक के बारे में सोचा तो ICICI वेबसाइट लिख देते हैं, ठीक। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि ICICI की वेबसाइट का ही कॉपीराइट, ठीक है, एकदम हूबहू फिशिंग वेबसाइट आपको अवेल हो जाएंगी गूगल पे, क्योंकि जो हैकर होते हैं ना वो उस वेबसाइट की कॉपी बना के उसी पे उसी के डोमेन के नेम की जैसे ही आपको गूगल पे डाल देते हैं, और आप गलती से ओरिजिनल वेबसाइट की बजाय फेक वेबसाइट पे आप चले जाते हैं और वहां पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो आपका सारा का सारा पैसा चोरी हो सकता है दोस्तों। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। किसी भी बैंक के बारे में आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप जब अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां से एक पैम्पलेट मिलता है, उस पैम्पलेट पे उस वेबसाइट के बारे में दिया होता है, किसी भी बैंक के बारे में उसके डिटेल्स के बारे में दिया होता है, तो आप वहां से आप वेबसाइट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं है पैम्पलेट आपके पास तो आप बैंक जाके उस बैंक के वेबसाइट के बारे में पता करें, मगर कभी भी गूगल पे ना सर्च करें। बात करते हैं दोस्तों दूसरी चीज के बारे में। तो दूसरी वो चीज है जो कि एप्लीकेशन है, जैसे कि आप आपके फोन में ढेर सारे एप्लीकेशंस होंगी, और कुछ गवर्नमेंट एप्लीकेशन हो गई और कुछ बैंकिंग हो गई, और कुछ आप पर्सनल थिंग्स जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह की जो पर्सनल अवेल जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको आप क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट गूगल पे लिखते हैं कि व्हाट्सएप मैसेंजर डाउनलोड। तो आपको क्या होता है ना कि आपको ओरिजिनल भी उसी सर्च इंजन में दिया होता है, मगर साथ ही साथ फेक और फिशिंग एप्लीकेशंस भी उसके साथ रहते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा वाला डाउनलोड करना है। तो आपने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद क्या होता है ना कि आपके पूरे फोन को वो जो फर्जी एप्लीकेशन होता है वो स्कैन कर लेता है, और आपके पास जितने भी डेटा होते हैं, आपके फोटोज हो गए, आपके कार्ड डिटेल हो गए, आपके जो भी ईमेल डिटेल हो गए, सारे के सारे चीजों को वो हैक कर लेता है और आपके पर्सनल चीजें लीक हो जाती हैं दोस्तों। तो आपको कभी भी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से डायरेक्टली नाम लिखें जिस एप्लीकेशन के बारे में, वहां पे वेरीफाइड प्रोडक्ट लिखा होता है कि गूगल के द्वारा वेरीफाइड है, और आपको वही वाले जो एप्लीकेशन होते हैं वही डाउनलोड करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं तीसरे चीज के बारे में। वो तीसरी चीज क्या है कि आपको कभी भी सस्पिशियस थिंग्स आपको नहीं सर्च करने हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि आप लोग के मन में आता है कि क्यों नहीं मैं सर्च करूं कि गूगल पे की हाउ टू मेक बॉम्ब, ठीक है, ISIS क्या होता है, ठीक है, आपको टेररिस्ट ग्रुप के बारे में आप जानने लगते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे एंटी टेररिज्म सेल और साइबर सिक्योरिटी वाले हमेशा 24/7 एक्टिव रहते हैं। अगर आप ये चीजें क्यूरियोसिटी की वजह से ही सर्च करते हैं तो उनकी निगरानी में उनके रडार पे आ जाते हैं आप, और क्या होता है कि आपको बेवजह ही आपको ये सब जो खतरे में पड़ जाते हैं। और दोस्तों मैं आपसे बताऊं कि कभी भी सब चीजें आप नहीं सर्च करेंगे। और बात करता हूं चौथे चीज के बारे में। चौथा चीज है दोस्तों मेडिसिन। जैसे कि आप क्या होता है कि आपको अगर किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप सीधे गूगल पे उसका नाम टाइप करते हैं और आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि उन मेडिसिन के बारे में क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसके डिमेरिट्स हैं, क्या उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं आपको उसमें मिल जाता है। मगर आपसे मैं बताऊं कि उन मेडिसिन के बारे में कुछ फर्जी कंपनीज जो होती हैं वो फेक इन्फॉर्मेशन भी दे देती हैं, जिसके कारण आपको क्या होता है कि आपको बीमारी तो कुछ और होती है मगर आप उन बीमारियों को दरकिनार करते हुए दूसरी कोई बीमारी की दवा आप खा लेते हैं उसी नाम से, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी आपको मेडिसिन के बारे में पता करना है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी केमिस्ट के पास जाएं, क्योंकि गूगल डॉक्टर नहीं है दोस्तों, आप गूगल पे केवल उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है तो आप कभी भी गूगलिंग मत करें, क्योंकि हो सकता है कि उस बीमारी को अलग अलग लोगों पे अलग अलग
इफेक्ट पड़ता हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से इलाज कराएं, कभी भी मेडिसिन या किसी बीमारी के बारे में आप गूगल पे ना सर्च करें दोस्तों। और आखिर में पांचवी जो चीज है दोस्तों वो है किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आप लोग सोचते हैं कि चलो अभी कोई आयुष्मान योजना चल रहा है गवर्नमेंट का, उस पर चेक करते हैं कि कैसे क्या है। तो दोस्तों आप उस पर क्या करते हैं, सर्च करते हैं, डायरेक्ट टाइप करते हैं कि आयुष्मान योजना बाय इंडियन गवर्नमेंट, और उस पर आपको ढेर सारे रिजल्ट आ जाते हैं, और उन रिजल्ट में से कोई एक वेबसाइट आप खोल लेते हैं। हो सकता है कि उसी ओरिजिनल इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलती जुलती कोई फिशिंग वेबसाइट, फेक वेबसाइट आपको मिल जाए और आप उस पर अपना डिटेल शेयर कर देते हैं, और होता क्या है कि आपका जो डिटेल वो लीक हो जाता है या आपको किसी खतरे में पड़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप जो भी आपको वेबसाइट के बारे में जानना है, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में जानना है, तो मैं उसका एक वीडियो बनाया हुआ हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे और यहाँ आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको जो भी इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। स्कॉलरशिप हो गया, मेडिकल हेल्थ हो गया, आपको किसी स्कीम के बारे में जानना है इंडियन गवर्नमेंट के, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये सारी चीजें जो थी वो आपको नहीं चेक करनी है, आप अवेयर रहें इन सब चीजों से, क्योंकि आप हो सकता है कि ना चाहते हुए भी आप किसी खतरे में पड़ जाए। तो इसी तरीके की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ आप सभी के लिए, हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए, आपके कोर्सेज के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड और जॉब्स के रिलेटेड दोस्तों, कि कैसे पैसा कमाए, किस तरीके से कमाए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी तरीका होता है उन सभी के बारे में बताता रहता हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करें, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।